थैंक यू सो मच। वो दीजिए, वो बुके दीजिए पहले, कलेक्शन कर लीजिए। तो नेता लोगों का आने का ये फायदा होता है। इस तरफ घूम जाइए। चलिए, थैंक यू, थैंक यू। Been doing a brilliant job, good job as far as restaurants are concerned. और मुझे इस बात का यकीन है कि ये भी उसी तरीके से चलेगा जैसे प्रताप का खबर चलता है, उसके बाकी रेस्टोरेंट चलते हैं। He's a rock star and he'll always remain to be a rock star. मेरे प्यारे प्यारे फैमिली फ्रेंड संजय जी को, क्योंकि अभी मैं लंदन में किसी से बात कर रही थी तो उनको बता रही थी कि पूरे अंधेरी में सबसे ज़्यादा फेमस जगह है प्रताप का ढाबा, जहाँ पे सारे लोग जाते हैं। सो शीशा लाउंज फिर से रिवाइव हो रहा है एंड संजय जी हैज़ ओपन इट, सो आई एम फीलिंग वेरी वेरी गुड दैट नाइट लाइफ बॉम्बे की काफ़ी ख़त्म हो चुकी थी कोविड के बाद, तो शायद ये एक बहुत अच्छा लाउंज है जहाँ पर आप फैमिली के साथ आ सकते हो, इन्जॉय कर सकते हो। सो आई एम वेरी हैप्पी। वैसे तो मैं बहुत बड़ी पार्टी एनिमल नहीं हूँ, लेकिन ये जगह थोड़ा सा ओपन है एंड आई थिंक इट्स वेरी, और सबसे बेस्ट ऐसे लोगों ने इसको टेक ओवर किया है जो ऑलरेडी रेस्टोरेंटियर्स हैं, उनको एंटरटेनमेंट कैसे करना है, हॉस्पिटैलिटी की बिजनेस में वो पहले से हैं। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी व्हाट न्यू दे आर गोइंग टू बी डूइंग हियर एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्लेस इज कि बहुत खुला खुला है, इट्स वेरी ओपन एंड इट्स डेफिनेटली अप इन द एयर। इट ऑल डिपेंड्स कि हमारा उस वक्त किस तरह का मूड है, कभी हमें कोजी एटमोसफेयर चाहिए होता है, जब जस्ट मी एंड माई सन आर गोइंग, समटाइम्स यू वॉन्ट टू बी पार्टिंग विद फ्रेंड्स, सो यू वॉन्ट अ नाइस ओपन प्लेस विद दिस लवली म्यूजिक, सो आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग लाइक दैट ओवर हियर। अप इन द एयर इज बिलोंग टू संजय जी एंड आई थिंक इट्स वेरी हैपनिंग प्लेस हियर एंड आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर। हाँ, मेरा मेरी दो फिल्में हैं, एक शुरमा और एक नेटफ्लिक्स के लिए फाइव स्टोरीज, वो हम लोग अक्टूबर में करेंगे, तो आई होप कि हम लोग आई मीन इट्स गुड प्लेस टू सी हियर, तो हमारे आने वाले प्रोजेक्ट हम लोग इधर ही करेंगे। 10 बजे के बाद सो जाते हैं, 10:30 बजे हम लोग सो जाते हैं, लेकिन बहुत स्पेशल लोग हैं जिनके लिए नाइट में आते हैं। अभी परसों सिन सिटी में एक फंक्शन था किसी का, कुछ वो कौन सरदार, उसका गाना आता रहता है बार बार, हाँ करेक्ट, उसने बुलाया, फिर ऐसे बहुत लोग बुलाते रहते हैं, तो हम लोग नाइट लाइफ है नहीं हमारी, बहुत स्पेशल लोगों के लिए है। तो संजय जी जो हैं, इनका जो एक ढाबा है यहाँ पे क्या बोलते हैं ओशीवारा में, प्रताप का ढाबा, क्या खाना मिलता है वहाँ पे, तो खाने से हमारी, खाने के बाद इनसे दोस्ती हुई और इनका बोलते हैं इनका क्विजीन बहुत अच्छा है, मेन्यू बहुत अच्छा है और हमको खाने का बहुत शौक़ है और इनसे हमारी दोस्ती बहुत अच्छी है, फैमिली रिलेशन है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। ये इसका क्या नाम है, अप इन द एयर,
अच्छा है, अभी मैं देखूंगा, अभी अंदर गए नहीं हम लोग। आरती जी अभी स्विट्जरलैंड में थी, अभी आपने देखे होंगे इनके पोस्ट वोस्ट, ये 8-10 दिन स्विट्जरलैंड में घूमकर आई हैं और इन्होंने स्विट्जरलैंड की बहुत चीज खाई है, तो अभी कल से ये डाइट पे जाने वाली हैं, ऐसा हम लोग अभी डिस्कस ही कर रहे थे। तो इन्होंने बोला आज मेरा लास्ट, स्विट्जरलैंड और मडेलैंड में क्या फर्क है? मुझे इंडियन फूड का तो नहीं पता, लेकिन मेरे घर पे जो ये खाना बनाते हैं, आई डोंट थिंक सो, हमारे मुझे आई नेवर गो टू रेस्टोरेंट्स बिकॉज ये रेस्टोरेंट के शेफ्स मेरे घर पे जो बैठे हैं, ये इनफ है हमारे घर के लिए। सो हमारे घर पे यही शेफ है, आई थिंक, एंड आई वुड लाइक टू से, हां नहीं मैं कहां पकाता हूं, मैं अच्छा काम करता हूं यार। मैं नहीं पकाता, ये लोग पकाते हैं, मैं तो अच्छा काम करता हूं। वेल आई एम अ वेरी वेरी काइंड ऑफ अ पर्सन, आई एंजॉय एवरी क्विजीन। मैं बहुत देसी हूं, जो मेरी पर्सनालिटी बहुत इंटरनेशनल है, पर यू नो मैं बहुत दाल चावल और दाल मखनी को और प्रेफर करता हूँ, तो ऑब्वियसली, एंड आई ऑल्सो लाइक सुशी अ लॉट, सो देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, तो आई एम अ कंप्लीट फूडी एंड आई एम श्योर द फूड ओवर हियर विल बी एज अप इन द एयर, तो आई थिंक सो, आई एम वेरी लुकिंग फॉरवर्ड अप इन द एयर, आई एम ग्लैड टू बी हियर। अभी सीजन चेंज हो रहा है, सर्दियाँ आने वाली है, all the festivities is going to start, so naturally it's time to party. I love to party, mujhe maza aata hai party karne mein, but aajkal mahol itna mazedar nahi hota hai jaisa pehle hua karta tha, aapko sabko pata hai 1900s and RATC and all those used to be the places. I hope this place rocks, it attracts more positivity, more fun, more variety for all the night goers, and I am looking forward to entering this place and having some fun. करूँगी जो इस पार्ट इस लॉन्च के पार्ट है, ओनर्स को स्पेशली और जो मैनेजिंग कमिटी है, जो मैनेजर्स हैं, जो सब लोग एसोसिएटेड हैं इस जगह से, उन सबको कॉन्ग्रेचुलेट करूँगी कि आपने इतनी अच्छी जगह ओपन करी है, मैंने अब तक देखा नहीं है, वो अलग बात है, बट एक बहुत ही अच्छी जगह है ये, बहुत ही अच्छा वेन्यू है और सबसे ज़्यादा पब्स और सारे क्लब्स इसी जगह है, तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू ओपन अ नाइस लाउंज, सो या आई होप कि बहुत अच्छा चलेगा, लोग बहुत ज़्यादा आएंगे, नाइट लाइफ बहुत अच्छी होगी, सारे यंगस्टर्स आएंगे और खूब पार्टी इन्जॉय करेंगे। एक्सपेक्टेशन संजय, इतने रेस्टोरेंट्स खुल चुके हैं, इतने सक्सेसफुल रेस्टोरेंट खोल चुके हैं, तो एक्सपेक्टेशन तो नेचुरली बहुत ऊपर है, अच्छी बात है कि वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा डिलीवर करते हैं, तो मेरी बेस्ट विशेज हैं, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे रेस्टोरेंट खोला तो मैंने सोचा मैं अपना ऑफिस भी यहीं कर लेता हूँ, तो मेरा ऑफिस भी यहीं है, क्योंकि खुशबू आसपास आती जाती रहे, तो ये रेस्टोरेंट सिर्फ संजय का नहीं, जो कुछ संजय का है वो मेरा ही है, सही बात है। तो would like to wish him and his family all the best, aur koi doubt nahi hai ki isse badhiya chalne wala restaurant Mumbai mein koi nahi hoga. naam se hi pata lag raha hai up in the air, and jitna mahol abhi main dekh rahi hu bahut sundar and kafi vibrant hai, and we are loving the atmosphere and the ambience for this one. Vicky, इस टाइम बोरीवली में हैं हम लोग, सबसे बड़े ग्राउंड में हैं, सो और अनाउंसमेंट बहुत जल्दी ऑफिशियल हम लोग करने वाले हैं, और धमाका तो जैसे वो एक सरप्राइज एलिमेंट ही रहेगा आप लोगों के लिए। संजय इज़ अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड, जिनका रेस्टोरेंट है, उनके जो भी रेस्टोरेंट होते हैं, द ढाबा और एक वाइल्ड ऑर्किड्स, वाइल्ड फॉरेस्ट राइट, या उनके कमाल के होते हैं, और इतने सालों से I know him so well. He's a big restaurateur. He is very fond of food.
and he himself overlooks everything. He supervises everything on his own. So I'm sure ye restaurant bhi bahut acha hoga, restaurant cum bar. It is going to do very well. It's already up in the air. So I'm sure from here it will go further up. And I've come here to enjoy today and let's hope. मैं 10 बजे सोने वाला आदमी हूँ और सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ. नाइट लाइफ इन्जॉय नहीं करता. हाँ, डे टाइम में मैं हेल्दी फूड खाना पसंद करता हूँ. तो मैंने सर से पूछा कि आपने यहाँ पे हेल्दी फूड का इंतज़ाम किया है कि नहीं. तो उन्होंने कहा हाँ है, ग्रिल्ड फूड मिलेगा मुझे. सो मैं वही इन्जॉय करता हूँ. सो यार, सबसे पहले देखता हूँ कि पहले लोगों से पूछता हूँ कौन सा क्लब अच्छा है. सेकंड ये कि वहाँ का फूड अच्छा है कि नहीं अच्छा, और हमें थोड़ा पीस मिलेगा कि नहीं. मतलब पार्टी भी इंजॉय करनी है लेकिन हाँ, आपको अपना स्पेस भी चाहिए, तो वो मिलता है नहीं मिलता. वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी 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 एक्साइटेड टू बी हियर बिकॉज संजय जी हमारे बहुत पुराने फ्रेंड है. इनफैक्ट जब से हम लोग नच बलिए कर रहे थे तब से हम संजय जी को जानते हैं, और लेट नाइट रिहर्सल्स के बाद हम प्रतापदा ढाबा जाते थे, तो तब से हमारी फ्रेंडशिप यू नो इज़ देयर. एंड आज अप इन द एयर नया रेस्टोरेंट है जहाँ पे ऑब्वियसली हिज एक्सपर्टीज इज़ मोगलाई. वो हम लोग खाएंगे. दिस चाइनीज, दिस फिंगर फूड. सो आई मीन व्हेन यू नो प्रतापदा ढाबा का ओनर संजय जी एक नई रेस्टोरेंट खोल रहे, तो ऑब्वियसली फूड इज गोना बी द बेस्ट. सो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट ट्राइंग द फूड हियर. सो एक्चुअली संजय इज़ माय वेरी गुड फ्रेंड एंड ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आई एम सुपर सुपर हैप्पी कि ये हमारी फेवरेट जगह हुआ करती थी शीशा, और अब यहाँ पे यू नो समथिंग विच इज़ ओपन बाय संजय. इट्स रियली रियली गुड एंड ऑल द वेरी बेस्ट. आई एम सो हैप्पी टू बी हियर एंड आप लोगों को मिलके सबको बहुत अच्छा लगे. अप इन द एयर के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि ये मेरे बहुत ही खास फ्रेंड का रेस्टोरेंट है, और बहुत अच्छी वाइब्स है यहाँ की, और लाइक एवरीथिंग इज़ सो यूनिक एंड लेट्स आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. नए वेंचर के लिए ढेर सारी खूब सारी बहुत सारी शुभकामनाएँ. इसी तरीके से अप इन द एयर, अप इन द गार्डन, सब जगह खूब सारा फैल जाए, खूब सारे बन जाए, ऐसे ही मेरी यही शुभकामनाएं. थैंक यू वेरी मच. सुपर, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड बिकॉज संजय जी से बहुत पुरानी फ्रेंडशिप है हमारी, फैमिली फ्रेंड है, तो आ रहा तो था ही. और इनका जो एक और रेस्टोरेंट जो है प्रताप ढाबा, बहुत पॉपुलर है, मैं हमेशा वहाँ से खाती हूँ, और यहाँ तो आना ही था. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, वेरी एक्साइटेड. मैं ऑनेस्टली नाइट लाइफ नहीं इंजॉय करती ऐसे, बट यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, दी यू नो ऑम्बियंस इज़ वेरी गुड. मैं अंदर जाके आई हूँ अभी, काफ़ी अच्छा लगा मुझे देख के, तो यहाँ डेफिनेटली इंजॉय करूँगी. ज़्यादातर नहीं ऐसे इंजॉय करती नाइट लाइफ, बट इट्स फन. वेल, इट लुक्स वंडरफुल, द एम्बियंस इज वेरी नाइस एज यू कैन सी. जंबो, या जंबो, या यही हमारी हकुना मताटा हमारी. All the very best. अभी जाऊंगा अंदर, कैसा लगेगा वो देखूंगा. वैसे मुझे अच्छा लगेगा क्योंकि मेरे दोस्त का है, मेरा पुराना दोस्त है. द ढाबा जो सुना है उसका खाना भी खाता हूँ, घर मंगाता भी हूँ, इसलिए आया हूँ.